हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन सेशन इसका होगा, यानी कि चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें आपकी यूज़ हो रही है वो हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको चैप्टर करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ट्राइंगल इन इट्स प्रॉपर्टीज़। हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्टली तो बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो ट्राइंगल क्या होता है, ए फिगर, ए क्लोज फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। ट्राई मतलब बेटा थ्री, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है। ट्राई का मतलब यहाँ पे क्या है, थ्री। तो यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल मेरे पास क्या हो गई, आ क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट, ठीक है। तीन लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज ए बी, एंड ए सी इज अनदर लाइन सेगमेंट, एंड बी सी इज योर थर्ड लाइन सेगमेंट। पहला लाइन सेगमेंट ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी ए सी, तीसरा लाइन सेगमेंट आपका बी सी। तो इन तीनों से मिलके जो क्लोज फिगर बनी, दिस इज़ योर ट्राइंगल। और ट्राइंगल की शेप आपने देखी है, कैसे भी हो सकती हैं, एक टाइप की नहीं होती, वो कैसे भी दे देगा, ठीक है, ठीक है, वो कैसे भी दे देगा, इनमें से कोई भी फिगर हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा, पहली बात तो वो क्लोज होगी, दूसरी बात उसके अंदर सिर्फ तीन लाइन सेगमेंट्स आपके यूज़ होंगे, ठीक है। दूसरा जो बेटा साइड्स, अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल के अंदर तीसरी बात क्या, सबसे पहली बात क्या आती है, साइड। जो आपके लाइन सेगमेंट हैं ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, उसकी साइड्स। जैसे ए बी, ए बी की ये वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको मैं क्या बोल दूंगी, साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। कौन कौन सी साइड है बेटा, ए बी, ए सी एंड बी सी, ठीक है। ए बी फर्स्ट लाइन साइड हो गई, ए सी आपकी, बी सी आपकी थर्ड साइड। उसके बाद आती है बेटा एंगल की बात, ट्राई एंगल, यानी कि थ्री एंगल्स। साफ बात कर रहे हैं वो किसके बारे में, ट्राई एंगल्स, यानी कि थ्री एंगल्स। अब थ्री एंगल्स कौन सी होंगी, देखो बेटा, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड। इसके अलावा तो कोई एंगल नहीं बन रहा। एंगल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट का मतलब दो लाइन सेगमेंट का मीटिंग पॉइंट, ठीक है। वहाँ पे क्या बनता है, आपका एंगल बनता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। तो अगर मैं एंगल्स की बात करूँ इसके अंदर, तो एंगल्स क्या है बेटा, देखो एंगल्स, एंगल्स की बात करूँ तो कैसे लिखूँगी, जो एंगल मेरे को चाहिए उसको बीच में लिखना है बेटा। ये एंगल का साइन होता है ए बी सी, ए बी सी, तो कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल। दूसरा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल। नेक्स्ट बी ए सी, इट मीन्स ये वाला एंगल जो बीच में है ना बेटा, जो बीच में है वो आपके एंगल है, यानी कि बी ए सी। तो इसके अलावा तो कोई एंगल नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये है बेटा आपके एंगल। इसके बाद आती है बात वर्टेक्स, किसकी बात आती है बेटा, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट्स का मीटिंग पॉइंट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं बिल्कुल, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, यानी कि दो लाइन सेगमेंट ए बी और ए सी का जो मीटिंग पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड योर वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स। इन सेम वे सेकेंड वर्टेक्स, बी सी और ए सी को कौन सा वर्टेक्स ज्वाइन कर रही है। तो अगर मैं ट्राइंगल में वर्टेक्स की बात करूँ तो ट्राइंगल के अंदर टोटल कितने वर्टेक्स होंगे बेटा, थ्री। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आपका क्या कहता है, देखो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं एक ट्राइंगल के मीडियन की, देखो बेटा, इफ दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी,
तो आप ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे किसी पॉइंट पे एक ऐसे लाइन बनाओगे। अगर ये लाइन इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये पूरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड। मीडियन का मतलब क्या बेटा, दो इक्वल पार्ट में, किसी भी वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से लिया तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। जिस वर्टेक्स से लिया उसकी अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल ए से लिया मैंने, डी तक आ गया, तो इसका मतलब क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स से अपोजिट साइड, अपोजिट यानी कि सामने वाली साइड, सामने वाली साइड यानी कि बी सी, ए से अगर मैं डाल रही हूँ मीडियन तो वो बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स यानी कि बेटा दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। इन सेम वे अगर मैं डालती हूँ सेम ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी, नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा है बेटा, बी, बी से मैंने डाला अपोजिट साइड पे यानी कि ए सी पे, तो ये अगर डी है तो इसका मतलब क्या है, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी। इन सेम वे अगर मैं नेक्स्ट वाला फिगर बनाती हूँ तो यही आपकी ट्राइंगल है ए बी सी, सी वर्टेक्स से अगर मैंने इस पे डाला अपोजिट साइड यानी कि सामने वाले साइड पे, इफ दिस इज डी तो इसका मतलब क्या है बेटा, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी। मीडियन का मतलब क्या है बेटा, अपोजिट वर्टेक्स से तो डलेगा, वर्टेक्स का मतलब मीटिंग पॉइंट से, अपोजिट साइड पे यानी कि सामने वाली साइड पे डलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है बेटा, एक तरीके से मैं बोलूँ हाइट, हाइट कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप हाइट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल आप सीधे खड़े होकर निकालोगे, राइट। सीधा जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्रपेंडिकुलर। सीधा क्या होता है, प्रपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर मैं सीधी खड़ी हूँ तो ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी, इट मीन्स मैं कितने डिग्री का एंगल बना रही हूँ, 90 डिग्री। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, एल्टीट्यूड सेंस फॉर हाइट, हाइट क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट करके ही तो हाइट आप क्या करते हो, मेजर करते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब क्या, इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, तो आप किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से जब आप सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हो, अपोजिट साइड पे क्या करते हो, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हो, तो वो क्या होता है बेटा, आपका एल्टीट्यूड। तो अगर मैं बात करूँ इस फिगर में दैट ए डी जो है वो आपका क्या है, एल्टीट्यूड। ए डी क्या है, एल्टीट्यूड, ठीक है। इन सेम वे अगर मैं बात करूं दूसरे वाले साइड से, यानी कि ये ए, ये बी, ये सी, सी अब मैं कर रही हूं बी वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से मैंने ए सी, इसके बी के सामने क्या बेटा, ए सी, ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपका एल्टीट्यूड क्या बनेगा बेटा, बी डी। बेटा उसके लिए, मीडियन के लिए कंडीशन क्या जरूरी थी, कि वो सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड। एल्टीट्यूड के लिए क्या कंडीशन है, कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देखो बेटा तीसरी फिगर में बना के दिखा रही हूँ सेम, उसके लिए ए बी सी, सी से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से देखो बेटा ये आपका क्या हो गया, डी पॉइंट। तो ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री, कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, मेरे को कंपैरिजन करना है बिटवीन एल्टीट्यूड एंड हाइट, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ एल्टीट्यूड है या मीडियन, मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी मीडियन है या एल्टीट्यूड। तो बेटा ध्यान रखना, अगर मैं एक फिगर बना रही हूँ, देखो ए बी सी, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज योर डी, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, इसको मैंने नाम दिया ई, और वो कंडीशन क्या कह रहा है, ए ई कुछ इस तरीके से बनाई है मैंने, ए ई को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि बी ई
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी ई. अगर ये 4 है तो ये भी क्या है बेटा 4, ये 4 है तो ये भी क्या है 4. बी ई इज इक्वल टू ई सी. ठीक है, तो अब देखो बेटा अगर मैं बात करूँ तो इसमें मीडियन कौन सा है और आपका एल्टीट्यूड कौन सा है. मैंने बोला एल्टीट्यूड वो होगा जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है. 90 डिग्री का एंगल कहाँ दिख रहा है, परपेंडिकुलर कहाँ दिख रहा है यहाँ पे. तो ए डी क्या होगा बेटा एल्टीट्यूड, ए डी क्या होगा एल्टीट्यूड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ए ई. ए ई को उसने किस तरीके से बनाया है, दैट बी ई इज इक्वल टू ई सी. यानी कि इस वर्टेक्स से बनाया है तो वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए. जो लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पे है. बी ई की लेंथ किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल. ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर दे तो वो क्या हो जाता है बेटा मीडियन, वो क्या हो जाता है मीडियन. तो यानी कि ए ई आपका क्या है मीडियन, ये क्या है आपका मीडियन. मीडियन का मतलब ही क्या है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंड के बाहर वाला, राइट. तो क्या है एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड इट्स प्रॉपर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल देखो दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी. ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर मैंने इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को इंक्रीज कर दिया डी तक. कहाँ तक इंक्रीज कर दिया, डी तक. तो जो इस ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है, बाहर वाला कौन सा है बेटा दिस, तो दिस इज कॉल्ड योर एक्सटीरियर एंगल. बाहर की साइड, अंदर की साइड नहीं है, कहाँ है बाहर की साइड, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल. तो ये मत सोचना बेटा मैं एक्सटीरियर एंगल यहाँ बना सकती हूँ, यहाँ पे भी बना सकती हूँ. अगर इस साइड को इंक्रीज करूँ तो ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल, इस साइड को इंक्रीज करूँ तो ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल, इस साइड को इंक्रीज करूँ तो ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. तो बेटा ये थे आपके एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है ध्यान से देखो. एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर मैं ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रही हूँ तो वो अपोजिट ट्राइंगल के अंदर वाले दो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा. इट मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये मेरा एंगल 50 डिग्री है और ये मेरा एंगल 30 डिग्री है. ठीक है, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है. कौन सा एंगल निकालना है, ए सी डी. कौन सा निकालना है, ए सी डी. तो ए सी डी उसको, उसके साथ वाले को छोड़ के, इसके साथ में ये वाला एंगल है ट्राइंगल में, इसको छोड़ के जो दो एंगल बच गए, कौन से दो एंगल बच गए, 50 और 30. कौन से बच गए बेटा, 50 और 30. तो 50 और 30 को प्लस कर दूंगी तो इसकी मेजरमेंट आ जाएगी. समझे बेटा, इन सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैं अब ये वाला एक्सटीरियर एंगल नहीं ले रही. अब उसने बोल दिया कि ये वाला एंगल आपके पास कितना है, 80 डिग्री, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है. अब एंगल क्या है बेटा, ए बी डी, ए बी डी. कौन सा एंगल, ए बी डी, इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, मैंने बोला उसके साथ वाला, साथ वाला कौन सा, ये वाला एंगल, इसको छोड़ के, इसको नहीं लेना, बाकी जो दो एंगल बच गए उनका सम 50 प्लस 80, इट मीन्स 130. तो ये वाला एंगल कितने का आ गया बेटा, 130 डिग्री. तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो जो उसके साथ वाला एंगल है उसको छोड़ के बाकी दोनों एंगल को क्या कर दो, प्लस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. वो क्या कहती है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को अगर प्लस कर दूँ तो वन एक्सटीरियर एंगल आपका आ जाता है. इंटीरियर यानी कि अंदर वाले, एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल.
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। इंटीरियर यानी कि अंदर वाले जो एंगल हैं, देखो बेटा इंटीरियर या फिर मैं बोलूं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल दी हुई है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम। अगर मैं बात करूं, दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इंटीरियर एंगल बेटा ये और ये, ठीक है। यानी कि वो क्या कह रहा है, एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी, बी ए सी, इन तीनों को अगर प्लस करती हूँ तो उनका सम हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल हैं उन तीनों एंगल को अगर मैं प्लस कर दूँ तो उनका आंसर हमेशा 180 डिग्री होगा। ये है बेटा आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सपोज उसने दिया ये 60, ये आपको 30, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। यानी कि ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी यानी कि बी एंगल कहाँ है बेटा, ये देखो बी यहाँ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। सी, सी कहाँ है, ये यानी कि इसकी वैल्यू 30 डिग्री, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है बी ए सी की, तो कैसे निकलेगी बेटा, 30 प्लस 960 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉजिटिव है बेटा, वहाँ जाके नेगेटिव, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल आपका क्या आ गया, 90 डिग्री। वो कुछ भी पूछे बेटा, ये एक्स माने, ये एक्स माने, ये एक्स माने, आपको ध्यान रखना है अगर एक टर्म मिसिंग है तो आपने इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है कि इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये थी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आते हैं कुछ स्पेशल ट्राइंगल्स पे जो आपको पहले से भी पता है। टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आपके, जो आपके सिलेबस में डिस्कस हो रखी है, सिर्फ वही टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, पहली क्या है बेटा, पहली आपकी क्या है, इक्विलेटरल। पहली टाइप क्या है बेटा, इक्विलेटरल। देखो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब क्या है बेटा, इक्वी इक्वल लेटरल साइड्स, यानी कि जिसकी साइड्स क्या हो बेटा, इक्वल, जिसके साइड्स क्या हो, इक्वल। तो यानी कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल, अगर ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, यानी कि तीनों साइड की लेंथ जो है वो क्या होगी, इक्वल। तीनों साइड की लेंथ जो है वो क्या होगी, इक्वल। साइड की लेंथ इक्वल है तो यहाँ पे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल आर ऑल्सो इक्वल। एंगल इक्वल है तो बेटा ये भी एक्स, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, ठीक है। अगर एक एक्स है तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स। तो अगर मैं बात करूँ तीनों ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अभी अभी की है, तो तीनों का सम कितना बनेगा बेटा, 180। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 60 डिग्री। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे बेटा, 60 डिग्री। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट ट्राइंगल विच इज आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस आइसोस्केलेस का मतलब क्या है बेटा, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स या मैं बोलूं टू एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसी ट्रायंगल जिनमें टू एंगल्स आर इक्वल या टू साइड्स आर इक्वल। सपोज दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मैंने माना दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो B और C एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। B और C एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं ये X है तो ये भी क्या होगा,
एक्स, और ये आपको दिया हुआ है 790 डिग्री. देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस एंगल्स. तो कैसे निकालोगे बेटा? वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो 90 प्लस सिक्स इज इक्वल टू 180. 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180. सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90. इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90 बाई 2. इट मीन्स 45. ये 45 तो ये भी आपका 45. तो आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है बेटा? वेयर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लीकेबल होती है, अदरवाइज नहीं होती. तो बेटा देखो वो थ्योरम क्या कह रही है. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, ए बी सी. ये कितना है बेटा? 90 डिग्री. ठीक है, जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री. वो कैसे भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है फिगर यही हो. यहाँ पे भी 90 डिग्री बन सकता है, ए बी सी. कैसे भी बना के दे वो, यहाँ पे बोल दे 90 डिग्री है. ठीक है, कैसे भी वो बना के दे, इट्स देयर चॉइस. तो बेटा ध्यान रखना, उसमें तीन साइड्स होते हैं, तीनों साइडों को नाम क्या क्या देते हैं. पहली बात तो जो ये जिस पे बना है, दिस इज योर बेस. जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, बिल्कुल स्टैंड प्रपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी खड़ी, दिस इज कॉल्ड योर प्रपेंडिकुलर. और जो 90 डिग्री के अपोजिट है, 90 डिग्री के सामने है, वो क्या है? आपकी हाइपोटेनियस. और जो हाइपोटेनियस होती है बेटा, वो सबसे लंबी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू प्रपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. क्या कह रही है? दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर लो, वो इक्वल होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के. Suppose this is your 12 and this is 5. So we have to find out the value of AC. तो कैसे निकालोगे? That AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 5 centimeter. We have to find out the value of AC. तो बेटा देखो, hypotenuse square is equal to perpendicular, यानी कि 12, यानी कि 12 square, base यानी कि 5 square. तो देखो बेटा, 12 square 144, 5 square 25. तो 144 प्लस 25 169, ये क्या आया बेटा? स्क्वायर. तो इसका भी क्या ले लूँ? स्क्वायर. क्या ले लूँ? स्क्वायर. 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 13 का. तो 13 स्क्वायर, स्क्वायर से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर. तो यानी कि ये कितना आ गया बेटा आपका? 13 सेंटीमीटर. तो ये थी बेटा आपकी पाइथागोरस थ्योरम. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जो कि आपके कंप्लीट चैप्टर में यूज़ हो रखा है. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. एंड इफ़ यू लाइक इट, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.